आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण टुडे और मैं आपके साथ रेणु चौहान। यूपी के जनपद कानपुर देहात में बहन की डोली उठने से एक दिन पहले ही निकला भाई का जनाजा। गांव के ही दो दबंगों ने युवक को उतारा मौत के घाट, जहां बजनी थी खुशियों के शहनाई। शादी के घर में पसरा मातम का सन्नाटा, तो वही परिजनों ने हत्या कर सब फेंकने की बात कही गई है। परिजनों द्वारा बताया गया कि पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट का मामला बता रही है। युवक का शव मुख्यालय के चौराहे पर खून से लथपथ मिला। घर में मौत की खबर मिलते ही इलाके में छाया सन्नाटा। बहन ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है, क्या मामला, क्या हुआ? मेरा भाई था, उसे कई लोगों ने मारा और यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से जब घर से गया था तो 5,000 रुपए लिए थे, अंगूठी भी पहने थे और यही लोग ले गए थे। यहाँ से लेकर जाकर उसे जान से मार दिया और उसकी अंगूठी भी छीन ली, 5,000 रुपए भी लिए, नहीं तो फेंक दिया जान से मार दिया। अच्छा, भाई था आपका? यस। शादी किसकी है यहाँ पे? मेरी है। आपकी शादी कब है? कल। कैसे हुआ? मैं यहाँ से रात में ले गए थे 8 बजे लुआ के, इसके बाद वहाँ जाके इन्होंने दारू वारू पिलाई उसको और उसको मारा है, मार के नबी तुल फेंक दिया है। उसके जेब में 5,000 रुपए पड़े तो वो भी निकाल लिए, एक अंगूठी पहने था वो भी निकाल ली उन्होंने और मार के वहीं छोड़ दिया। यहाँ बताया भी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया कि हमने ये क्या किया क्या नहीं किया। कौन थे आपके? हमारा भैया था। पुलिस की कार्रवाई हुई? पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिस तो वो बता रही थी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमने अपनी आपको क्या लग रहा क्या हुआ? नहीं, मारा गया है। मारा गया।